हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं दिशा स्वागत करती हूं आपके अपने ही परिवार फिजिक्स गुरु में, जहां हम ग्रेजुएशन के लिए पढ़ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ये क्लास हमारी केमिस्ट्री के लिए है और इसमें ये बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए है। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर में हमारी यूनिट चल रही है सेकेंड। तो यूनिट सेकेंड में आज हमारा क्या टॉपिक है? यूनिट सेकेंड में आज हमारा टॉपिक है, जो हम आज कवर करेंगे, पढ़ेंगे, MOT, यानी कि मोलिक्यूलर ओ ऑर्बिटल टी थ्योरी। क्या हुआ? मोलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इसमें क्या है? इसमें हमारा नाम से ही पता चल रहा है, जो हमारे मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल हैं, जो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल हैं, उनके बारे में क्या करेंगे आज हम डिस्कस करेंगे। मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल के बारे में हम आज बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। क्या डिस्कस करेंगे? ये देखो, पहले हम बात कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू वीबीटी। तो वीबीटी के अकॉर्डिंग जो मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल हैं, तो क्या करते हैं, हमने पढ़ा था, इसमें हमने क्या पढ़ा था, जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है, जो हमारे कोवेलेंट बॉन्ड है वो किससे बनते हैं, किसके बीच बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, किसके बीच बनता है और क्या होता है, ये हमें पता ही है, लेकिन फिर भी एक बार हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे भूल गए होंगे या पता नहीं होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, हमारे एटम्स के बीच में बनते हैं, है ना। जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो एटम्स के बीच में क्या होते हैं, बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं, जो कोवेलेंट बॉन्ड बनते कैसे हैं, जो हमारे एटम्स हैं इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें पता है एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ये ए मान लिया, एक एटम, एक बी मान लिया, इन एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है, एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को इंटरैक्ट करेंगे। तो इंटरैक्ट करते टाइम क्या बनाएंगे, बॉन्डिंग बनाते हैं। तो इस बॉन्डिंग को ही हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग। होप क्लियर हो गया होगा। क्या होते हैं ये, जो हमारे अकॉर्डिंग टू वीबीटी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं हम, जो हमारे एटम्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है, ये मान लिया हमने ए इलेक्ट्रॉन, ए एटम, बी एटम, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन है, एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, और इंटरैक्ट करते टाइम क्या करेंगे, एक बॉन्डिंग बनाते हैं। उस बॉन्डिंग को हम क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग कहते हैं। अब मॉलिक्यूल किससे बनता है, ये चीजें हमें पता है, फिर भी हम बात कर लेते हैं शुरू से ही। मॉलिक्यूल किससे बनता है, हमें पता है मॉलिक्यूल किससे बनता है, एटम्स, और एटम्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। तो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्या करते हैं, ये शेयरिंग करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, शेयरिंग करते हैं, साझा करते हैं, और साझा करते टाइम क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं, एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं। क्या? एटम्स के इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जब शेयरिंग करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होते हैं, तो क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, एक मॉलिक्यूल को क्रिएट करते हैं। तो कैसे करते हैं, अब जैसे ये हमारा एक ए एटम, बी एटम, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे को से शेयरिंग करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, इंटरैक्ट करते हैं। जब ये एक दूसरे को शेयरिंग करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं, है ना। क्या करते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन जब इंटरैक्ट होते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, एक मॉलिक्यूल क्रिएट करते हैं। और ये मॉलिक्यूल बनाते टाइम ही, ये वाला मॉलिक्यूल क्रिएट करते टाइम ही, ये जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूल के एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन है, वो क्या कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। क्या कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, खो देते हैं, है ना। क्या? अपनी पहचान, है ना। क्या कर देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं। किसके अकॉर्डिंग, वीबीटी के अकॉर्डिंग।
ये हम वीबीटी, ये ध्यान में रखना, ये हमारा वीबीटी के अकॉर्डिंग चल रहा है कि वीबीटी में हमने क्या पढ़ा था और वीबीटी में क्या कहा गया था। तो क्या कर देते हैं, हमारे इलेक्ट्रॉन क्या कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। तो बट पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन जब हमारी इंटरैक्ट करेंगे, शेयरिंग करेंगे, तो ये क्या करते थे, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। पर इसमें क्या है, जो हमारे एटम हैं, जो हमारे एटम है वो क्या करते हैं, उनकी आइडेंटिटी नहीं खोती, उनकी आइडेंटिटी क्या होती, होती लूज नहीं होती, वे नहीं खोते। बस इलेक्ट्रॉन क्या है, जब शेयरिंग करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, साझा करते हैं, एक मॉलिक्यूल का निर्माण करते हैं, और उस मॉलिक्यूल के बनाते टाइम क्या कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। बट जो एटम्स है इस दौरान क्या नहीं करता, अपनी आइडेंटिटी नहीं खोता, अपनी पहचान नहीं खोता। ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, ये वीबीटी के अकॉर्डिंग हो गया। क्लियर, ये वाली चीज क्लियर हो गई। अब हम बात कर लेते हैं एमओटी के अकॉर्डिंग, और इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कि मॉलिक्यूल बनाते टाइम जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, तो मॉलिक्यूल बनाते टाइम उन्होंने एमओटी में क्या कहा, कि क्या क्लियर करने की कोशिश की कि इलेक्ट्रॉन अपनी आइडेंटिटी खोते हैं या एटम, ये पता करा उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन अपनी आइडेंटिटी खोते हैं या एटम अपनी आइडेंटिटी खोते हैं। तो उसको उसको क्लियर करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसे समझाने के लिए क्या किया, एमओटी मोड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्या क्या निर्माण किया। ठीक है, और ये थ्योरीज और ये लॉज जो है ये इसीलिए बनाई जाते हैं कि उनके कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट जो करते हैं साइंटिस्ट जो भी करते हैं, तो नेक्स्ट वाले जो साइंटिस्ट होता है वो उसके उस एक्सपेरिमेंट में कुछ ना कुछ कमी निकालते ही रहते हैं, और कमी निकालने के कारण उन कमियों को दूर करने के लिए कुछ थ्योरीज आ जाती है, कुछ लॉ आ जाते हैं। तो ऐसे ही वीबीटी में भी कुछ कमी रह गई, कुछ वो रह गई, उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या थ्योरी आई, हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ये वाली थ्योरी किसने दी, हुंड ने, हुंड एन मुलकिन, मुलकिन ने दी, और इस चीज इसके लिए इन्हें 1966 में क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, नोबेल पुरस्कार मिला इस थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, इसमें इन्होंने क्या बताया, इसमें इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन है, जो हमारे एटम्स के इलेक्ट्रॉन है, जब वो ये जैसे ये है, जब ये हमारे एटम्स है, इन एटम्स के जो ये इलेक्ट्रॉन है क्या करते हैं, एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं, तो क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं या क्रिएट करते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, ये अपनी पहचान खो देते हैं इसी टाइम में, क्या अपनी पहचान खो देते हैं। तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन तो अपनी पहचान खो ही देते हैं, एटम्स भी, मॉलिक्यूल के एटम भी इस टाइम अपनी क्या खो देते हैं, आइडेंटिटी खो देते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन ये दोनों ही क्या कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। इसमें किसने बताया, हुंड एंड मुलकिन ने। क्लियर, ये चीज आपको क्लियर होगी होगी कि इसमें क्या हुआ था, और इसमें इन्होंने ये जो हमारी एमओटी थ्योरी आई क्यों आई और किस लिए आई, ये इसलिए आई। तो अब कैसे खो देते हैं ये भी देख लो। तो उन्होंने बताया जब जब ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, तो एक मॉलिक्यूल बनेगा, वो हमें पता ही है, अभी पढ़ा है हमने, मॉलिक्यूल का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो जब ये, तो इसके एटम के ऑर्बिटल, ये देखो ये है ऑर्बिटल, एटम के ऑर्बिटल, तो जब इसके इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेंगे, एक दूसरे से अट्रैक्ट होंगे, तो ऑर्बिटल भी तो होंगे, है ना, जब ये ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे को शेयरिंग करेंगे, तो हमारे ऑर्बिटल भी तो होंगे, ऑर्बिटल भी तो ओवरलैप करेंगे, यही चीज समझाई। तो जब ये कैसे हो जाएंगे, ये देखो ये ऑर्बिटल, जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास आएंगे, शेयरिंग करेंगे, तो ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, ओवरलैपिंग, क्या हो गया, ओवरलैप। यहां तक क्लियर हो गया, क्या क्या इन्होंने ओवरलैप किया।
जब इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, एक दूसरे को शेयर करेंगे, शेयरिंग करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे, तो इनके ऑर्बिटल भी तो करेंगे, तो ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, ओवरलैप हो जाएंगे, और ये पूरे ऑर्बिटल मिलके दोनों क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल, है ना। क्योंकि देखो इसकी भी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं रही, इसकी भी कोई अपनी आइडेंटिटी नहीं रही, इन दोनों की अपनी कोई पहचान नहीं रही, क्योंकि ये क्या हो गया, ओवरलैप, ये एक दूसरे से क्या हो गया, ओवरलैप करके क्या बना दिया, एक ओवरलैपिंग, एक मॉलिक्यूल बनाया इस, तो इसलिए इन्होंने क्या क्या, इस टाइम इन्होंने भी अपनी आइडेंटिटी खो दी। तो इससे क्या हुआ, एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन दोनों ने क्या कर दिया, अपनी आइडेंटिटी खो दी, इनकी कोई अपनी पहचान नहीं रही। इलेक्ट्रॉन तो गया गया काम से, ये ऑर्बिटल भी ले गया काम से, इन्हें भी, इनकी भी पहचान खत्म कर दी, अपनी तो कर ही दी, इसमें यही है। तो है ना, ये हमारा ए बी, ये न्यूक्लियस, ए ऑर्बिटल बी ऑर्बिटल, ये हो गया हमारा न्यूक्लियस, ये क्या करेगा, ठीक है, ये आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये है ना, क्लियर हो गया होगा आपको। तो आगे चलते हैं। तो बच्चा जब इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग की तो हमारे ऑर्बिटल्स जो है वो ओवरलैप कर गए और क्या बना दिया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। तो क्या हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गया एक। तो क्या हुआ, जब ये इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग करने के बाद क्या होता है, हमारे ऑर्बिटल की क्या होती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, ओवरलैपिंग हो जाती है, तो क्या करते हैं, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग, जो जो ये इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग की, हाँ इन्होंने शेयरिंग तो की, जब इन्होंने इलेक्ट्रॉन ने शेयरिंग की तो हमारे जो एटम्स है वो क्या हुए, कंसिस्ट हुए, हमारे जो एटम्स है वो कंसिस्ट हुए, और तो कंसिस्ट होकर के क्या हुआ, तो उन्होंने क्या कर दिया, एटम्स की क्या हो गई, ओवरलैपिंग। जब इन्होंने क्या करा, इलेक्ट्रॉन यहाँ शेयरिंग हुए, तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद क्या हुआ, हमारा ये ऑर्बिटल क्या हुआ, ओवरलैप हुआ, तो उन्होंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण किया। तो फिर यहाँ शेयरिंग करते टाइम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट हुआ, तो इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट हुए, तो इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट हुए तो हमारे जो एटम्स है वो कंसिस्ट हुए, तो हमने यहाँ क्या देखा कि हमारे एटम्स क्या है वो ओवरलैपिंग कर गए। तो इस टाइम क्या हुआ, ओवरलैपिंग करते टाइम हमारे एटम्स ने जो है, हमारे एटम्स ने भी क्या करी, अपनी पहचान खो दी, अपनी आइडेंटिटी खो दी। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये क्लियर करने के बाद, ये हमने भी समझा है, समझने के बाद इसके बारे में हम लिख लेते हैं, थोड़ा बहुत लिख लेंगे तो हमें और क्लियर हो जाएगा, वो हमारे नोट्स बन जाएंगे। क्लियर, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब आगे लिखते हैं, चलो अब इसके बारे में हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं, इट वाज, इट वाज गिवन बाय, किसने दी थी, बताया था ना, किसने दी थी, इट वाज गिवन बाय हुंड एंड मुलिकन, अकॉर्डिंग टू इट, अकॉर्डिंग टू इट क्या, इसके अकॉर्डिंग क्या था, अरे पढ़ाता था, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स, दिख रहा है ना, एटम्स एज वेल, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल एज वेल एज देयर इलेक्ट्रॉन विल, देयर इलेक्ट्रॉन, देयर इलेक्ट्रॉन विल, अब तो काफी बड़ा बड़ा लिख रखा है, छोटा थोड़ी है, क्या कर देते हैं इलेक्ट्रॉन, लूज देयर आइडेंटिटी,
क्या कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। यही तो हमने अभी समझा था, इतनी कहानी जो सुनी थी वो पढ़ी थी। तो फिर आगे क्या होता है, बिकॉज क्यों, बिकॉज आफ्टर शेयरिंग, दिख रहा है ना, बिकॉज आफ्टर ए है, AFTER, आफ्टर, बिकॉज आफ्टर शेयरिंग, बिकॉज आफ्टर शेयरिंग बोथ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ठीक है, समझ तो आ रहा है ना, समझ नहीं आ रहा तो मैं बोल भी रही हूँ तो उससे भी समझ में आ रहा होगा, मैं जो मुंह से बोल रही हूँ वैसे भी लिख सकते हो, छोटे बच्चे तो हो नहीं। विल associates the molecules of both atom, will associate, दिख तो रहा है, हाँ, the nucleus of, the nucleus of both, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विल एसोसिएट द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस एसोसिएट द न्यूक्लियस ऑफ बोथ एटम्स, सिमिलरली बोथ एटम्स, यहाँ एटम्स आएगा, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके आगे लिखेंगे सिमिलरली, या इसके बारे में पहले थोड़ा सा समझ लो। इट वॉज गिवन बाय हुंड एंड मुलिकन, ये जो दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी, हुंड एंड मुलिकन ने, एक बात मैंने बता दी थी ना, इसके लिए क्या मिला था, नोबल प्राइज भी मिला था 1966 में, वो आप ध्यान में रख लेना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू इट, इसके अनुसार, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ मोलिक्यूल, मोलिक्यूल बनाते समय, फॉर्मेशन यानी बनाते समय क्या होता है, एटम्स एज वेल एज देयर इलेक्ट्रॉन विल लूज, जब मॉलिक्यूल्स के एटम्स के इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, तो क्या कर देते हैं, लूज करते हैं, देते हैं देयर आइडेंटिटी, अपनी पहचान खो देते हैं, बिकॉज क्योंकि आफ्टर शेयरिंग बोथ इलेक्ट्रॉन विल एसोसिएट द न्यूक्लियस ऑफ बोथ एटम्स, तो शेयरिंग के टाइम क्या कर देते हैं, अपनी आइडेंटिटी वो खो देते हैं, उनकी कोई पहचान नहीं रहती। तो ये हमने अभी समझा था, उसकी ये डेफिनेशन है। तो आगे सिमिलरली, इसी प्रकार क्या होता है, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन, ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन सिमिलरली, इसी प्रकार ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल क्या करेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी तो ओवरलैप करेंगे, ओवरलैप किससे करेंगे, एक दूसरे से, ओवरलैप ईच अदर, तो क्या होगा, टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे। ये सब हमने अभी जो समझा था ना, वो चीज यहां लिखी है और कुछ भी नहीं है, है ना, जो हमने अभी शुरू में सब कुछ पढ़ा था वो हम इसे डेफिनेशन के रूप में क्या कर लेते हैं, लिख लेते हैं। सो एटम्स और देयर, तो अब क्या लिख लेंगे, सो एटम्स और देयर एटॉमिक ऑर्बिटल और देयर एटॉमिक और देयर एटॉमिक ऑर्बिटल विल लूज, है ना,
तो ये वही चीज है। तो सिमिलरली इसी प्रकार ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के रहे वो ओवरलैप कर जाएंगे ईच अदर टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और क्या करेंगे एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का निर्माण करेंगे। सो एटम्स और देयर एटॉमिक ऑर्बिटल, तो जो एटम्स है और उनके मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या कर देंगे, वो भी अपनी एनर्जी लूज कर देंगे, खो देंगे। इलेक्ट्रॉन भी अपनी पहचान खो देते हैं और एटम्स भी। इसमें यही है, क्लियर? एक बार आप इसे नोट करो, स्क्रीनशॉट ले लो। तो स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे थोड़ा सा और पढ़ते हैं। ये वाला लेंथी है थोड़ा टॉपिक हमारा, है ना? क्या लेंथी टॉपिक है, थोड़ा बड़ा है, पर कोई बात नहीं, समझ लेंगे हम, पढ़ लेंगे। तो इसमें हमारी दो चीज और आती हैं। क्या होती है? दो चीज और ऐड होती है, क्या? BMO और AMO, ABMO। अब ये क्या है, हमें पता है जब एटम के जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो क्या करते हैं एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, क्रिएट करते हैं। ये हमें पता है ना, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब जैसे ये देखो, ये ऑर्बिटल है, इसमें न्यूक्लियस है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, तो ये अगर इलेक्ट्रॉन इसे रिपल्सन करेगा तो ये न्यूक्लियस इसको रिपल्सन करेगा, इस न्यूक्लियस को रिपल्सन करेगा, है ना? तो क्या होगा, इनके बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स भी तो होगा, है ना? अट्रैक्शन फोर्स भी तो होगा। तो अब देखो अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स क्या है, अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्सन फोर्स क्या है, जो हमारा अट्रैक्शन है, जो हमारे दो एटॉमिक ऑर्बिटल है जब वो ओवरलैप करते हैं तो एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। अगर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अट्रैक्शन फोर्स से बन रहा है, अगर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या हो रहा है, अट्रैक्शन फोर्स से बन रहा है, तो क्या होगा, उसकी एनर्जी क्या होगी, लो एनर्जी होगी। क्या होगा, वो लो एनर्जेटिक होगा। क्लियर? जो हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रिपल्सन से बन रहा है तो क्या होगा, उसकी हाई एनर्जेटिक होगा, वो क्या होगा, वो हाई एनर्जेटिक। इतनी चीज के लिए। अब ये लो एनर्जेटिक और हाई एनर्जेटिक क्या है, ये किससे हाई होगा और किससे लो होगा, हमें ये तो पता चल गया। अगर अट्रैक्शन से बनेगा, अट्रैक्शन फोर्स से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो क्या होगा, लो एनर्जेटिक होगा, और जो हाई से बनेगा, सॉरी रिपल्सन से बनेगा, तो वो क्या होगा, हाई एनर्ज। तो किसके कंपैरिजन ये लो एनर्जेटिक होगा, ये होगा मॉलिक्यूल ऑर्बिटल एनर्जी, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल के कंपैरिजन क्या होगी, इसकी एनर्जी लो होगी। किसकी ज्यादा होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल की ज्यादा होगी, ठीक है? क्या होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल की तो ज्यादा होगी एनर्जी, एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में जो हमारा मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी कम होगी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी और इसकी ज्यादा होगी। क्लियर हो गया? ऐसे रिपल्सन में हाई होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, लो होगी, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होगी रिपल्सन में, अगर क्या बनता है हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्लियर हो गया होगा? अब इतने डिटेल में पढ़ लेते हैं, आगे इनके बारे में कुछ लिख लेते हैं तो ये हमें और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अब उसे हम क्या कहते हैं, जो अट्रैक्शन फोर्स से जो बनता है और उसकी एनर्जी लो होती है उसको हम क्या कहते हैं, और जो रिपल्सन फोर्स से मॉलिक्यूल ऑर्बिटल बनता है उसकी एनर्जी हाई होती है तो उसको हम क्या नाम देंगे। अब ये देखो, इधर अब लिखते हैं इसमें थोड़ा सा कुछ, हम तो लिख लेते हैं, हम व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप ईच, दिख तो रहा है, ईच अदर, विल आएगा है, विल
ओवरलैप जो हमने अभी पढ़ा था, जो जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, ओवरलैप होते हैं, तो किसका निर्माण करते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। ठीक है, ये आप लिख लेना ठीक से, मैं कैसा लिख रही हूँ, ये ऐसे। ठीक है, आप साफ साफ लिखना, मैं जैसा भी लिख रही हूँ चलेगा, लेकिन आपका नहीं चलेगा। नीचे इधर तो क्या होगा, देन। ठीक है, आप अगर मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो आपको मिस्टेक नहीं करनी, आपको ठीक लिखना है। देन दे विल फॉर्म। तो क्या होगा, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे तो क्या होगा, फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या करेंगे, टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, है ना, टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्लियर, इतना क्लियर हो गया, ये हमने हम पढ़ते ही आ रहे हैं तो ये तो हमें क्लियर हो ही गया होगा। तो क्या अब लिखेंगे आगे, ठीक है, ये लिखो आगे, आउट ऑफ दीज वैन आउट ऑफ दिस वहन मोलिक्यूलर ऑर्बिटल किससे, जब मोलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड होता है किससे, फॉर्म्ड बाय अट्रैक्शन, पढ़ा था ना, तो उसकी एनर्जी कैसी होगी, लो एनर्जेटिक ही तो होगा, हमने पढ़ा था। तो जब मोलिक्यूलर ऑर्बिटल किससे बनेगा, अट्रैक्शन से बनेगा, तो उसकी एनर्जी क्या होगी, लो होगी। विल बी लो एनर्जेटिक, क्या होगा, इधर ही लिख दो, लो एनर्जेटिक। यही तो पढ़ा था हमने, यही तो समझा था, कैसी होगी एनर्जी, लो एनर्जेटिक होगी, किसके कंपेयर में, किसके कंपेयर में होगी, किसके कंपेयर में होगी, कंपेयर टू किसके कंपेयर में, जब अट्रैक्शन फोर्स से बनेगा तो उसकी एनर्जी लो होगी, किसके कंपैरिजन में लो होगी, एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में लो होगी। और इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इज नोन एज बॉन्डिंग मोलिक्यूलर थ्योरी, इन शॉर्ट BMO। क्लियर हो गया, एक बार से नोट करो, स्क्रीनशॉट लो, क्या व्हेन टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स विल ओवरलैप, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेंगे तो क्या होगा, फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, आउट ऑफ दिस व्हेन। और अगर ये है जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, क्या किससे बनता है, अट्रैक्शन फोर्स से बनेगा, तो क्या होगा, लो एनर्जेटिक होगा, किसके कंपैरिजन में, एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में क्या होगा, लो एनर्जेटिक होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस और इज नोन एज बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर थ्योरी, BMO। ये एक बार नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। अरे इससे आगे हम क्या करेंगे, अगर रिपल्सन फोर्स से बनेगा तो क्या होगा, वहन आप ना आगे, ये वाला पॉइंट लिखने के बाद BMO वाला आगे से लिखेंगे, मैं इसी में कर देती हूँ ABMO। क्लियर, समझ में आ गया होगा। तो हम क्या लिखेंगे, अदर देन दे विल फॉर्म टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, आउट ऑफ दिस वहन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म बाय रिपल्सन फोर्स। यहाँ मैं रिपल्सन लिख दे रही हूँ, आप अलग से लिखोगे। रिपल्सन फोर्स विल बी कैसा होगा, हाई एनर्जेटिक होगा ना, तो हम यहाँ हाई लिख देंगे, हाई एनर्जेटिक इन कंपेयर टू एटॉमिक ऑर्बिटल इज नोन एज, यहां हम लिख देंगे एंटी बॉन्डिंग,
हैं एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर थ्योरी, एबीएमओ। क्लियर हो गया होगा, है ना, समझ में भी आ रहा होगा। तो अब हमने ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आज ये दो तीन चीजें कवर की है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ हमारा टॉपिक, इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो ये लेक्चर है थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हमें ठीक से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।